हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिग मोडी गर्ल। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि नॉर्मल A4 साइज़ के पेपर में प्रिंट फ़ोटो को आप लकड़ी के टुकड़े में कैसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे हाथ में आप ये देख रहे हैं कि मेरे हस्बैंड ने मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था। ये फ्रेंड्स 550 रुपये का मुझे पड़ा था और अब हम देखेंगे कि हम सिर्फ 30 रुपये में आज का फ़ोटो ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने लिया है ये एक लकड़ी का टुकड़ा। मैंने ये एक लकड़ी फर्नीचर की दुकान से कटवाया है कि मुझे सिर्फ 10 रुपये में पड़ा है। और फ्रेंड्स, मैंने ये लिया है प्रिंट फ़ोटो। जो भी आपको फ़ोटो ट्रांसफ़र करनी हो, आप वो फ़ोटो ले लें। और फ्रेंड्स, याद रखना है कि हमें जो प्रिंट करवाना है वो इंकजेट प्रिंटर से ही करवाना है। फ्रेंड्स, जो बोर्ड में फ़ोटो ट्रांसफ़र होता है, वैसे तो उसमें जेल और मोड की ज़रूरत होती है, पर फ्रेंड्स वो काफ़ी महंगा मिलता है। तो आज हमने जो यूज किया है वो है फेविकॉल। ये फ्रेंड्स बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल जाता है हमें। तो फ्रेंड्स, हमें करना क्या है कि हमें इस बोर्ड में फेविकॉल को अच्छे से लगा लेना है। मैंने ये फॉर्म का यूज किया। आप चाहें तो आप ब्रश का यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने फिंगर से अच्छे से लगाना है। फ्रेंड्स, आपको जिसमें भी सहूलियत हो आप उसका यूज कर लें। बोर्ड में फेविकॉल को अच्छे से लगाना है फ्रेंड्स। कहीं भी कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, उससे हमारी फ़ोटो कटने का डर हो जाएगा बाद में। आप फॉर्म या ब्रश का यूज करें, उससे आपके बोर्ड में फेविकॉल अच्छे से लग जाएगा। फ्रेंड्स, अब मैंने ले लिया है फ़ोटो। आप हमें बोर्ड में इसको अच्छे से सेट कर लेना है फ्रेंड्स। मैंने इसे अच्छे से सेट कर लिया है। मेरे फ़ोटो में कोई भी एयर बबल नहीं आया है। हमें अपनी फ़ोटो को अच्छे से हल्के हाथों से प्रेस करते हुए चारों तरफ से अच्छे से चिपका लेना है फ्रेंड। याद रहे कि इसमें कोई एयर बबल्स ना आए। अगर आता भी है तो फ्रेंड्स, आप किसी भी चीज़ से, आप चाहे तो कार्ड का यूज कर लें या फिर चाहे तो ऐसे कोई भी फ्लैट सरफेस मतलब चीज़ देके उसे इस तरह से एयर बबल रिमूव कर लें। इसे सेट होने के लिए हमें पूरी रात के लिए छोड़ देना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हमें चाहिए है एक टॉवल और थोड़ा सा पानी। हमें अपनी टॉवल को पानी में डिप कर लेना है और फ्रेंड्स जितना भी एक्सेस वाटर होगा उसे रिमूव कर लेना है। और फ्रेंड्स, गीली टॉवल को हमें इस तरह अपने फ़ोटो के ऊपर रख देना है। फ़ोटो को हमें गीला करना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अपनी फिंगर की मदद से हमें इस तरह एक्सेस पेपर को रिमूव कर लेना है। फ्रेंड्स, याद रखना है कि ये प्रोसेस में बहुत ही हल्के हाथों से करना है, फ़ोटो पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। आप चाहें तो टॉवल की मदद भी ले सकते हैं, पर फ्रेंड्स हमें ये बहुत ही हल्के हाथों से करना है। फ्रेंड्स, अगर हमने इसे ज़्यादा प्रेशर दिया तो हो सकता है कि हमारी फ़ोटो डैमेज हो जाए, तो हमें इसे बहुत ही हल्के हाथों से करना है। इस तरह धीरे धीरे करके हमें सारा एक्सेस पेपर निकाल देना है। फ्रेंड्स, आप इस तरह अपने घर में इसको ट्राई कर सकते हैं और आप किसी भी स्पेशल ओकेज़न पे अपने फैमिली फ्रेंड्स को इसको गिफ्ट कर सकते हैं। अपने हाथ से बनाए गए गिफ्ट की तो फ्रेंड्स बात ही अलग होती है। तो फ्रेंड्स, मेरी फोटो बन के हो गई है कंप्लीट। फ्रेंड्स, के साइन देने के लिए आप जो ट्रांसपेरेंट वार्निश आता है आप उसको इस पर लगा सकते हैं, तो ये साइन ही देखने लगेगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह देखते हैं हम अपनी दूसरी फ़ोटो को किस तरह कंप्लीट करना है। आपको ये प्रोसेस बहुत ही हल्के हाथों से करना है। अगर आप चाहें तो आप टॉवल का यूज़ नहीं करना चाहते, तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि आपको एक कटोरी में पानी लेके अपनी फिंगर डिप करके इस तरह एक्सेस पेपर को रिमूव कर लेना है। आपको आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत सारे लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे।
मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।